2019 की सियासी महाभारत में उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं उनमें से एक है फतेहपुर। जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे उस सीट पर इस बार मोदी सरकार के भगवाधारी मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की साख दांव पर है। वोटर का दिल जीतने के लिए निरंजन ज्योति अपने चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या कर रही है, देखिए सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साध्वी निरंजन ज्योति, महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति, सांसद निरंजन ज्योति, मोदी सरकार की मंत्री निरंजन ज्योति, एक नाम और कई पहचान वाला ये चेहरा लोकसभा की लड़ाई में यूपी की फतेहपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर मैदाने जंग में है। विवादित बयानों की मल्लिका बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता 2019 के कुरुक्षेत्र में कितनी मजबूती से खड़ी हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और कितना मिल रहा है जनता का समर्थन, ये सब आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने पूरा दिन साध्वी निरंजन ज्योति के साथ बिताया। साध्वी की दिनचर्या शुरू हुई स्नान ध्यान और पूजा पाठ से। जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आप पूजा पाठ की जो रूटीन में अभी फिलहाल जो चुनाव चल रहा है उसमें एक पल और एक मिनट या डेढ़ मिनट के लिए भगवान से यही बोलती होंगी कि कम से कम मेरी नैया पार लगाते भगवान। देखिए मुझे लग रहा है कि मांगने से नहीं मिलता, जो सब जानता है कि किसको क्या चाहिए और मैं तो मांगा नहीं कभी, लेकिन मेरी झोली कम पड़ गई इतना दिया भगवान ने। मैम जिस तरीके से आपने पूजा पाठ किया है उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि बहुत साधारण जीवन आप जीती हैं। हम पूरे दिन आपके साथ रहने वाले हैं और आप जहाँ जाती हैं प्रचार करने कैसे करती हैं, हम पूरे दिन रहेंगे और हम साध्वी निरंजन ज्योति के साथ कैसे इनकी दिनचर्या शुरुआत होती है, कहाँ तक जाती हैं, कैसे लोगों से मिलती हैं, वो सब चीज़ आप तक हम पहुँचाएंगे। साध्वी ने ईश्वर की पूजा तो कर ली लेकिन पेट पूजा अभी बाकी थी, लिहाजा उन्होंने किचन का रुख किया और हम ये देखकर हैरान थे कि मोदी सरकार की फूड प्रोसेसिंग राज्य मंत्री अपना खाना खुद ही बनाती हैं। जिस तरीके से ये घर है देख रहे हैं बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करती हैं और अगर हम उनकी बात करें तो इस समय उनकी रसोई में हैं और रसोई में कोई यहाँ नौकर चाकर नहीं बल्कि यहाँ पर वो खुद ही अपना खाना बनाती हैं और जो उनके साथ हैं यहाँ पर उनके शिष्य और जो भी उनके साथ लोग रहते हैं उनके लिए भी ये खाना खुद बनाती हैं, रोटी खुद बना रही हैं। साध्वी जी मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके साधारण जीवन आप जीती हैं, बाहर लगता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा जलवा होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं और हम आज किचन में आपके देख रहे हैं कि आप खुद खाना ही बना रही हैं, किचन भी बड़ा साधारण सा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को साधारण जीवन में रहना चाहिए और हर काम करना चाहिए क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यहाँ जीवन के जो क्षण होते हैं अलग अलग बदलते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं सीखना चाहिए या करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा है और उनके परिवार को भी मैंने देखा है कि जब इतने बड़े तीन बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनका परिवार आज भी साधारण परिवार में रह रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने नेतृत्व को कि मुझे ये सेवा का दायित्व दिया, बकाया तो मेरा जीवन एक जो एक संत का है वही रहता है। मेरे को देखेंगे कि मेरे गांव की जनता, एक माँ भी है वो भी मुझे फ़ोन करती है और अपनी पीड़ा मेरे सामने रखती है, तो मैं तो इतना मानती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और मेरा बनाया हुआ भोजन आप भी कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं भी खाऊंगा, जरूर आपके साथ खाऊंगा साध्वी जी, क्योंकि आप पूरे दिन मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट तो तैयार था लेकिन इसे खाने के लिए मंत्री जी के घर में कोई भी डाइनिंग टेबल नहीं था। साध्वी ने भोजन की थाली को प्रणाम किया और एक रोटी हमारे हाथ में देकर खुद खाना शुरू किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के डाइनिंग हॉल में मैं मौजूद हूँ। ये डाइनिंग हॉल अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ कोई डाइनिंग टेबल नहीं बल्कि ये तखत है, यही इनका डाइनिंग टेबल है और कुर्सी और यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट कर रही हैं। साध्वी जी आपका डाइनिंग हॉल देख करके मजा आ गया, कितना साधारण जीवन आप जी रही हैं। हम लोग तो करपात्री हैं, भिक्षा मांगी हाथ में, हाथ ही हमारा कर होता है, भिक्षा मांगी इसी में रखकर रोटी खा लिया। सुबह के नाश्ते के बाद अब वक्त था चुनाव प्रचार पर निकलने का। बड़ी तादाद में साध्वी के समर्थक उनके घर पर जुट आए थे। घर पर ही एक मीटिंग करने के बाद कार्यकर्ताओं की टोली के साथ निरंजन ज्योति अपने चुनावी अभियान पर निकल पड़ी और रास्ते में रुक रुक कर शुरू किया जनसंपर्क अभियान।
जनसंपर्क के दौरान ही निरंजन ज्योति से हमने एक बार फिर बातचीत शुरू की तो उन्होंने अपने कामों का पिटारा खोल दिया। फतेहपुर में मौजूद हैं और इस समय साध्वी निरंजन ज्योति का कैंपेन चल रहा है, चुनावी दौरा चल रहा है और लोगों से मुलाकात कर रही हैं। बिंदकी इलाके में इस समय मौजूद हैं और पीछे देख सकते हैं आप सबसे रूबरू हो रही हैं और सबसे वोट मांगने की अपील की जा रही है। देखिए सबसे मुलाकात कर रही हैं, चुनावी दौरा जिस तरीके से है। मैम एक चीज़ और है कि जो एकदम एक गंगा के किनारे की अगर इस शहर की बात करें तो पूरा पिछड़ा इलाका ये रहा है, अब थोड़ा बहुत ये और विकसित हुआ है, अब इससे कितना काम और रह गया, तो कितना आगे ले चलना है? देखिए मुझे लग रहा है कि जब नीति आयोग ने सर्वे करवाया तो ये 65वें पायदान पर था, आज 2019 में जो दोबारा करवाया ये 9वें नंबर पर आ गया है और मेरा लक्ष्य कि पहले नंबर पर आए, हम इतना तेज विकास करें और विकास हुआ है। मेरे सभासद हैं दोनों यहाँ से पत्नी हैं, इस नगर के लिए भी 2 टंकी मैंने अभी प्रस्तावित करवाए। तो आप सभी नेता मिल करके ये क्यों नहीं कहते जाति धर्म यही खत्म करो, विकास पे ही बात करो। विकास में फतेहपुर वो लोकसभा सीट है जहां से चुनाव जीतकर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। राजा मांडा के नाम से मशहूर वीपी सिंह यहां से 1989, 1991 और 1996 में लगातार 3 बार जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे और अब साध्वी निरंजन ज्योति यहां से लगातार दूसरी बार जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। फतेहपुर में 3,90,000 SC, 2,60,000 मुसलमान, 2,10,000 राजपूत, 2,00,000 ब्राह्मण, 2,00,000 कुर्मी, 1,10,000 निषाद और 1,00,000 यादव वोटर हैं। जाति के इस गणित को हराकर क्या साध्वी विजय पताका फहरा पाएंगी, ये हमने डायरेक्ट वोटर से पूछ डाला। फतेहपुर में चुनावी दौरा साध्वी निरंजन ज्योति का, मैम जिस तरीके साध्वी निरंजन ज्योति घर घर जाकर के वोट मांग रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या लगता है ये केवल चुनावी एक तरीके का टैक्टिक्स है या हमेशा ऐसा रहता है? नहीं, हमेशा रहता है और रहेगा, हमेशा रहता है और रहेगा। ये 4 साल बहुत काम किया उन्होंने, मेडिकल कॉलेज लाई हैं और भी कई योजनाएं हैं जो कि रेलवे पार्क, मतलब जितनी योजनाएं हैं आई हैं और इनका आना बहुत जरूरी है। आप विकास चाह रही हैं, बदलाव चाह रही हैं? नहीं, हम विकास चाह रहे हैं। जब ये गठबंधन होता है, जब जात के नाम पे वोट मांगा जाता है, सारी चीज होती है, तो फिर क्या लगता है? नहीं, हमें विकास चाहिए और गठबंधन में हमें विकास नहीं मिल रहा और दीदी ने 4 सालों में काफी कुछ किया है। हम महिलाएं तो बहुत सुरक्षित हो गए उनके इसमें, तो हम चाहेंगे कि दीदी फिर से आए और विकास हो हमारा। महिला सांसद होती है तो लगता है कि महिलाएं और ज्यादा सशक्त हो रही, सुरक्षित है और सशक्त हो गई हैं, तो ये तो हमें लगता है और दीदी ने काम भी काफी। 5 साल पहले की फतेहपुर की स्थिति और अब की स्थिति में कितना अंतर है? 5 साल पहले फतेहपुर जिले में कुछ नहीं था, 0 था, और 5 साल क्यों गिनते हैं? 2-3 साल तो हमारी सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 2 साल में जो विकास साध्वी जी ने, हमारी सांसद ने किया है वो एक अकल्पनीय है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से सचान साहब और गठबंधन, इन लोगों का कोई जादू नहीं चल रहा? कोई जादू नहीं चलेगा, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि भाजपा ने इतना काम किया है और साध्वी जी एकदम सुशील और साध्वी बहुत अच्छी नेता है। फतेहपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी से एक बार फिर निरंजन ज्योति मैदान में है। सामने हैं BSP कैंडिडेट सुखदेव प्रसाद वर्मा और टिकट ना मिलने से नाराज होकर SP छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राकेश सचान से। SP और BSP में गठबंधन होने से लड़ाई कठिन हो गई है, लिहाजा हमेशा हिंदुत्व के रथ पर सवार रहने वाली साध्वी निरंजन ज्योति मुसलमान वोटरों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने वो भी दिन देखे हैं, सत्ता का नशा, सरकारी रोडों पर खड़े हुए पेड़ वो तक कटवाने का काम किया गया है, हमने वो काम नहीं किया। मैंने इस जनपद के लिए, सारे समाज के लिए काम किया है, हमने कभी पक्षपात नहीं किया। यदि गैस सिलेंडर हिंदू महिला को दिया तो हमने मुस्लिम महिला को भी दिया। बिल्की नगर से साध्वी का काफिला थोड़ा आगे बढ़ा और वो एक घर में घुस गए। घर में कुछ महिलाएं चक्की पर पिसाई कर रही थी, मंत्री निरंजन ज्योति ने खुद चक्की चलानी शुरू कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल जाती है कि लगता है उससे कि एक थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा, और देखें कि किस तरीके से साध्वी निरंजन ज्योति अपना चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और जिस जगहों पर जा रही हैं लोगों से मिल रही हैं। तो जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पर जिस तरीके से देखिए चक्की चला रही थी, उनको सिखा रही हैं, बता रही हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर चक्की चलाया जाता है और कैसे। साध्वी जी, जो आप चुनाव प्रचार आपका चल रहा है, ये चुनाव प्रचार का क्या एक पार्ट बन गया है कि आप जहाँ जा रही हैं वहाँ पर ये भी शिक्षा दे रही हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि
प्रत्येक गृहिणी को हर काम आना चाहिए। और मैं तो सन्यासी हूँ, ये तो गृहिणी है। कई बार मशीन खराब हो जाए, दलिए जरूरत पड़ जाए तो कहाँ दलाने जाएंगी, दाल कहाँ दलाने जाएंगी, आटा कहाँ पिसाने जाएंगी। तो मेरा तो मानना है कि हर काम में पारंगत होना चाहिए। तो चुनाव प्रचार के साथ साथ जो है कोचिंग सेंटर भी आपका चल रहा है? ये प्रोसेसिंग है, चूंकि आप फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हैं। मेरे मंत्रालय का गेहूं से दलिया बनाना, ये तो प्रोसेसिंग है। चना से बेसन, दिल से बेसन बनाना, आटा से रोटी बनाना, ये प्रोसेसिंग है, ये मेरे मंत्रालय काम है। चक्की चलाने के बाद साध्वी ने घर की एक बच्ची को गोद में उठाकर दुलार किया और अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े। और हम भी उनके साथ ही उन्हीं की गाड़ी में सवार हो गए ताकि कुछ सियासी चर्चा हो सके। निरंजन ज्योति का काफिला अब उस फतेहपुर बदायूं हाईवे से गुजर रहा था जो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बना था, साथ ही इसे भी चुनावी मुद्दा बना रही है। फतेहपुर में चुनावी दौरा साध्वी निरंजन ज्योति के साथ समय मौजूद हैं और चल रहे हैं सड़क पे। पहले अगर हम बात करें मैम, तो यहाँ पर चलने में इतनी दिक्कतें होती थी, कम से कम ये रोड अब ठीक हो गया है, आपकी देन है या गडकरी जी से कराया आपने? देखिए, गडकरी जी हो या मैं हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, 5 साल पहले की स्थिति क्या थी? 5 साल पहले तो गड्ढे ही थे, सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी। अच्छा। ये स्थिति थी। ये मेडिकल कॉलेज की जगह है, ये मेडिकल कॉलेज है, जो जगह बननी है इसमें। अच्छा। पूरा इसका भी कुछ दिन पहले शिलान्यास हुआ था? हाँ हाँ, अभी हुआ है और काम, हाँ काम भी शुरू हो गया। वो देखिए, मशीनें वगैरह सब लगी है, ये पूरी उसी जगह, ये गाड़ियां आनी खड़ी है। हमारी सरकार का लटकाने भटकाने का काम नहीं है, उसको काम तत्काल करने का है। साध्वी निरंजन ज्योति अपने कामकाज का गुणगान तो खूब कर रही थी, लेकिन जब हमने उनसे राम मंदिर और बाबरी ढांचा गिराने के उनके पुराने दावों पर सवाल किया तो गरजने वाली साध्वी के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। मैम, लगता नहीं है कि अगर इस 5 साल की सरकार में राम मंदिर बन गया होता तो शायद ये चुनाव और भव्य हो रहा होता, शायद बीजेपी के साथ जो नाराजगी, वो लोगों की नाराजगी नहीं होती? नाराजगी किसी की नहीं है। तो विकास जरूरी है, राम मंदिर जरूरी नहीं है? देखिए, वो आस्था है और मुझे गर्व होता है कि बनेगा, उसको कोई रोक नहीं लगता है 2019 और 2024 के बीच में। चिंता मत करिए, मोदी जी पर देखिए करम। गर्व आपको भी है बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने में? अरे बाबरी कहाँ था, वहाँ वहाँ तो मंदिर का ही पिलर खड़े हुए थे, जीण सीण वहाँ रामलला विराजित है, उसकी क्या गर्व है आपको? रामलला बैठे भव्य स्थान दर्शन दे रहे हैं। सियासी चर्चा के बीच निरंजन ज्योति का अगला पड़ाव आ गया और कुछ देर पहले चक्की चलाने वाली साध्वी एक घर में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाना तो तैयार हो गया, लेकिन क्या वोटर भी दोबारा उन्हें सांसद बनाने के लिए तैयार है? इसका जवाब 23 मई को मिलेगा। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, फतेहपुर। यूपी के धौरहरा में इस बार जबरदस्त जंग है। एक तरफ है बीजेपी के मौजूदा सांसद रेखा वर्मा और दूसरी तरफ है कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी के खास जितिन प्रसाद। धौरहरा से जितिन प्रसाद 2009 से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन 2014 में वो चौथे नंबर पर रहे। 2019 में धौरहरा में परचम लहराने के लिए जितिन किस तरह कर रहे हैं चुनाव प्रचार, इसका जायजा लिया संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने। राहुल गांधी ब्रिगेड के नामचीन नेता यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में शुमार, और कांग्रेसी दिग्गज जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद सियासी युद्ध लड़ रहे हैं। धौरहरा संसदीय सीट पर तीसरी बार जितिन प्रसाद दावा ठोक रहे हैं। उनके दावों में कितना दम है, वो किस तरह से विरोधियों को पटखनी देने के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम दिन भर जितिन प्रसाद के चुनाव प्रचार में रही। शाहजहांपुर के आलीशान इमारत में रहते हैं जितिन प्रसाद। घर से निकलकर सबसे पहले वो पहुंचते हैं धौरहरा में बने चुनाव कार्यालय में। वहां पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं जो दिन का प्रोग्राम तय करते हैं। वहां कई आम लोग भी मौजूद हैं जो अपनी समस्या लेकर आए हैं। लोगों की बात सुनकर जितिन प्रसाद का काफिला निकलता है अपने चुनाव क्षेत्र में। रास्ते में गजमोहन मंदिर है,
इसलिए जितिन प्रसाद प्रचार से पहले मंदिर के दर्शन करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गजमोहन मंदिर के पास के गांव में जितिन प्रसाद की पहली बैठक है। गांव के प्रधान ने शामियाना लगाया है। जितिन प्रसाद के आते ही नारेबाजी शुरू हो गई। गांव वालों को जितिन प्रसाद ने प्रणाम किया। कई लोग जितिन प्रसाद के पांव छूने लगे। आ गए आपके बीच विकास पुरुष माननीय जितिन प्रसाद जी, आपके बीच आ चुके हैं। जितिन प्रसाद को सुनने के लिए करीब 300 से 500 लोग जमा थे। मंच से जितिन प्रसाद के पक्ष में जबरदस्त भाषण हुए। और 12 तारीख को हम सब लखीमपुर में 10 बजे पहुंच जाएंगे और अपने नेता को धूमधाम से नामांकन के लिए भेजेंगे। आज के दिन का पहला भाषण उन्होंने बैठ कर दिया। करीब 10 मिनट के भाषण के बाद जितिन प्रसाद का काफिला दूसरे गांव की तरफ बढ़ा। शाहजहांपुर जितिन प्रसाद की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर उनके पिता जितेंद्र प्रसाद का दबदबा रहा है। जितेंद्र प्रसाद के बाद जितिन ने भी 2004 का लोकसभा चुनाव शाहजहांपुर से लड़ा था, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद सीतापुर और लखीमपुर खीरी का कुछ हिस्सा मिलाकर धौरहरा सीट बनी। 2009 में जितिन प्रसाद ने धौरहरा से चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन 2014 में उनकी हार हुई। चुनाव से ठीक पहले उनके बीजेपी में जाने की खबरें उड़ी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जितिन का कहना है कि साजिश के तहत बीजेपी में जाने की खबर फैलाई गई थी। बीच में खबरें आने लगी कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, कई दिनों तक ये खबरें चलती रहीं, लेकिन आप बाहर निकल करके नहीं आ रहे थे ये बताने के लिए, तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि हाँ लग रहा है कि कहीं कुछ बार्गेनिंग चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जो कहते हैं ना रूमर जो होते हैं षड्यंत्र के तहत फैलाई जा रही थी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने खंडन क्यों नहीं किया था सर? बिल्कुल किया, खंडन उन बातों का करना चाहिए जिनका तथ्य हो। जब तथ्य ही नहीं है और खंडन उन चीजों का करना चाहिए जिसका आधार हो। जब आधार ही नहीं तो काहे का खंडन करें। बीजेपी में जाने की अटकलें थमी ही थी कि खबर आई कि जितिन प्रसाद को राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है और अंत में धौरहरा से ही उन्हें चुनाव लड़ाया गया। लखनऊ क्यों भेजा जाना चाह रहे थे लोग, कि क्या उनको ये लग रहा था कि जितिन प्रसाद जो हमारे इतना करीब है, हमारे कोर टीम का मेंबर है, वो यहां से हार जाएगा या लखनऊ में जाकर के राजनाथ जी को हराएगा? नहीं नहीं, ये सब जानकारी आपके पास कहां से आई मुझे तो नहीं मालूम, मेरी किससे बात हुई और आप बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरे ऊपर निर्भर था और बड़ी मुझे सौभाग्य की बात है कि लखनऊ का भी पार्टी ने प्रस्ताव रखा और मैं अब धौरहरा से चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लड़ नहीं रहा, चुनाव यहां से जीतूंगा। तो सर लखनऊ आप क्यों जाना चाह रहे थे, मतलब ऊपर से दबाव था या आप खुद जाना चाह रहे थे? जैसा कि मैंने बताया, लखनऊ एक पार्टी के लिए बड़े सम्मान की, किसी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने की गर्व की बात है, सम्मान की बात है। बहुत हाई प्रोफाइल आपका स्टैचर और प्रोजेक्शन होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन पार्टी ने मुझे दिया था। अब जितिन प्रसाद का काफिला बेल गांव में पहुंच चुका है। यहां पहुंचते ही लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जितिन प्रसाद के स्वागत में गांव के लोगों ने उनका तिलक किया और गुलदस्ता भेंट किया। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, यहां का बेल गांव, जहां पर यहां से कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, जो कि यहां पर बैठे हुए, उनका चुनाव का कैंपेन चल रहा है। उनके सामने जो गठबंधन से लड़ रहे हैं अर्शद हैं, अर्शद बसपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो इस समय जो भाजपा से उम्मीदवार हैं वो रेखा वर्मा, उनकी अभी भी यहां से भाजपा की अभी सांसद हैं, और एक डाकू मलखान सिंह का नाम शायद आपने सुना होगा, वो भी हैं यहां पर। डाकू मलखान सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। 2014 में धौरहरा से जितिन प्रसाद को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। बीजेपी की रेखा वर्मा ने चुनाव जीता और जितिन प्रसाद चौथे नंबर पर आए। इस बार उनका मुकाबला रेखा वर्मा के साथ साथ गठबंधन के अरशद इलियास सिद्दीकी से भी है। साथ ही चंबल के डाकू रहे मलखान सिंह भी जितिन प्रसाद को चुनौती दे रहे हैं। अपनी जनसभाओं में जितिन प्रसाद बीजेपी सांसद पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। अस्पताल बना, विद्यालय बना,
कहीं कहीं पे हैंडपंप लगे लगे कि नहीं लगे ये बता दो जरा, ये हवा बता रहे हैं लगे ना, जरा बताओ बेल में कितने हैंडपंप लगे, कितने लगे थे? 5 हैंडपंप लगे। अब ये बताओ पिछले 5 साल में कितने हैंडपंप लगते हैं? आधा हैंडपंप नहीं लगा होगा, एक ईंट नहीं लगी होगी, एक ईंट नहीं लगी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 5 साल में शक्ल नहीं दिखाई होगी। बेल गांव में अपना भाषण खत्म करने के बाद वो वहां मौजूद लोगों से भी मिले, उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और नौजवानों से बात की। नौजवान लोगों बात हो, मुझे तक पहुंचाओ, मैं देखूंगा, ठीक है, कोई शिकायत हो वो भी बताओ, मैं दूर करूंगा। आप लोगों को हमें बनाते हैं, आज हमारा काम करते हैं आप लोगों की वजह से, हो तो बताना, हम दूर करेंगे। जितिन प्रसाद प्रचार के दौरान गांव-गांव, खेत-खेत जा रहे हैं। जितिन प्रसाद की अपने इलाके में मजबूत पकड़ है, शायद इसीलिए उन्हें भरोसा है कि 2014 इस बार नहीं दोहराया जाएगा। यहां से कौन विजयी होगा और कौन दिल्ली पहुंचेगा वो तय होगा 23 मई को, लेकिन ये बात जरूर तय है कि जिस भी वोटरों से हम बात करने की कोशिश किए हैं, वोटर यही कह रहा है कि हमें विकास चाहिए और जो भी विकास करेगा उसी को विजयी हासिल करेंगे। इस बात पर जब हम लोगों से ये पूछें कि आखिरकार 2014 में जितिन प्रसाद को आपने क्यों नहीं जिताया, तो उन्होंने कहा कि उस समय मोदी की लहर थी और मोदी की लहर में सब धराशायी हो गए, तो क्या इस बार मोदी की लहर नहीं है, ये बात 23 मई को ही स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, धौरहरा। शरीर पर गेरुए कपड़े, सिर पर भगवा साफा, ये पहचान है सुमेधानंद सरस्वती की। 2014 में जब पहली बार उन्हें बीजेपी ने सीकर से टिकट दिया तो लोगों ने कहा कि संत का राजनीति में क्या काम, लेकिन 2014 में उन्होंने अपने विरोधियों को मात दी। बीजेपी ने इस बार भी सुमेधानंद सरस्वती पर भरोसा जताया है। सुमेधानंद राजस्थान के सीकर से फिर ताल ठोक रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम दिन भर उनके साथ उनके चुनाव प्रचार में रही। जुबान पर मोदी और दिल में महात्मा, सीकर की जनता जब सुमेधानंद सरस्वती से मिलती है तो उनके दिमाग में नेता से ज्यादा संत की छवि होती है। इसलिए सुमेधानंद सरस्वती प्रचार में जहां जहां जा रहे हैं लोग उनके पांव छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, बदले में सुमेधानंद उनसे वोट मांग रहे हैं। राम राम सर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीकर का पारा 40 से 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी में सुमेधानंद सरस्वती गांव-गांव जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। उनके भाषणों में राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे अहम है। कहते हैं कि चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस में दीवानगी आई है। कहते हैं कि चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस में दीवानगी आई है। अरे भाई, ये महफिल तो मोदी की है, तुम्हारी तो रवानगी आई है, तुम्हारी तो रवानगी आई है। सुमेधानंद सरस्वती देश के सबसे गरीब सांसदों में शामिल हैं। उनके पास सिर्फ 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके पास एक सफारी गाड़ी भी है जो किश्तों में ली गई है। जिस गाड़ी से वो प्रचार कर रहे हैं वो उधार की है। जाट बाहुल्य सीकर में कांग्रेस और बीजेपी पिछले काफी समय से जाट प्रत्याशी पर ही दांव लगाती रही है। स्वामी सुमेधानंद सीकर जिले के नहीं हैं, वो हरियाणा के हैं और जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बरसों से सीकर के पास पिपराली कस्बे में अपना आश्रम बनाकर रह रहे हैं। सुमेधानंद सरस्वती को उम्मीद है कि वो अपने काम के बलबूते चुनाव जीत जाएंगे। मैंने 5 साल में मेरे से जो बन पाया इस क्षेत्र के लिए, कुछ बड़ी स्कीमें लेकर के आया। मैं मोदी जी ने मैं मेडिकल कॉलेज दिया, सैन्य अकादमी जो केवल मात्र मोहाली में चंडीगढ़ में एकमात्र थी वो हमें मिली है। हमने ब्रॉडगेज का कंप्लीट काम किया है। हमने एक यमुना जल का बहुत बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री ने उसका एमओयू करवा दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया, वो काम हो गया है। सड़कें बहुत बनी हमारे यहाँ, तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में इससे दुगना कार्य कर पाऊंगा। सुमेधानंद सरस्वती का काफिला अगले गांव की तरफ बढ़ा। इस गांव में उन्होंने अपने समर्थकों को अपने हाथों से चाय पिलाई और फिर चाय पर चर्चा की।
चाय पर चर्चा करने के लिए पूरी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हमेशा से ही लगे रहे कि शुरुआत जब हुई चुनावों की 2014 में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा करी, लेकिन अब जो तमाम प्रत्याशी हैं वो खुद ही चाय बना रहे हैं। अब आप देखिए सीकर के जो भाजपा प्रत्याशी हैं सुमित आनंद सरस्वती जी, उन्होंने चाय बनाई है और चाय उसके बाद पी भी रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं चाय पे, और चाय को लेकर तमाम चुस्कियां लेकर राजनीतिक बातें भी हो रही। सुमित आनंद जी, ये चेहरा शायद जल्दी कोई देखता नहीं होगा कि एक वर्तमान सांसद और खुद चाय बनाए, चाय पर चर्चा भी करे, राजनीतिक परिचर्चा भी हो। जनप्रतिनिधि का काम होता है सेवा करना। सुमेधानंद सरस्वती जिस जिस गांव में जा रहे हैं उनका जोरदार स्वागत हो रहा है, लोग उनको माला पहना रहे हैं, उनके पांव छू रहे हैं। कहते हैं कि चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस में दीवानगी आई है। कहते हैं कि चौकीदार चोर है, ये कांग्रेस में दीवानगी आई है। अरे भाई, ये महफिल तो मोदी की है, तुम्हारी तो रवानगी आई है, तुम्हारी तो रवानगी आई है। भारतीय जनता पार्टी। सीकर के कई इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। सुमेधानंद चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो अब इनको भय सता रहा है कि तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, और मोदी जी ने जिस पारदर्शिता के साथ, बाजोर साहब कह रहे थे, देश के किसी सांसद किसी मंत्री के ऊपर कोई आक्षेप इसलिए नहीं लगा कि मॉनिटरिंग बढ़िया थी, चौकीदारी बढ़िया थी, सुपरविजन अच्छा था। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिसके रोम रोम के अंदर देशभक्ति का भाव हो, 5 साल में कभी 2 मिनट भी विश्राम दिन में नहीं किया हो, जिसने केवल 4 घंटे और 3 घंटे की नींद लेकर के सुबह से शाम देश की रक्षा के लिए